देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। नए केसों की संख्या आज 30,000 से नीचे आ गई है, जो राहत की बात है। इससे पहले रोजाना 30 से 40,000 के आसपास मामले आ रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 29,689 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 132 दिनों में एक दिन में आए ये सबसे कम नए मामले हैं। आज के नए केस कल की तुलना में लगभग 25% कम है। सोमवार को 29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे के दौरान 415 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 4,21,382 लोग खतरनाक वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। अब तक 3,06,21,469 लोग वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 42,363 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रहने से एक्टिव केस की संख्या में भारी कमी देखी गई है। देश में एक्टिव केस 124 दिन बाद 4,00,000 के नीचे आ गए हैं, जो कुल मामलों का 1.27% है। संक्रमण दर की बात करें तो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.33% है। दैनिक संक्रमण दर 5% से नीचे 1.73% है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% पर है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।